नमस्कार दोस्तों, NIUS के DLED कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि व्याकरण का तात्पर्य क्या है। व्याकरण महर्षि पतंजलि और महर्षि पाणिनि के अनुसार व्याकरण शब्द अनुशासन है, अर्थात शब्दों के ऊपर अनुशासन। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह किस संदर्भ में करते हैं, किस वचन और काल के लिए करते हैं, उसके अनुसार व्याकरण में नियमों का निर्धारण किया गया है। तो व्याकरण इस प्रकार से शब्दानुशासन है क्योंकि हमको उनके उन व्याकरण के नियमों के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग करना होता है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कृ धातु में वी और आ उपसर्ग तथा ल्युट प्रत्यय लगाकर हुई है, जिसका तात्पर्य होता है व्याक्रियन्ते, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। अर्थात व्याकरण शब्दों की व्याख्या करता है, ध्वनियों की व्याख्या करता है, वाक्य विचार करता है। व्याकरण कितने प्रकार का होता है? व्याकरण दोस्तों वस्तुतः तीन प्रकार का होता है। पहला शास्त्रीय अथवा सैद्धांतिक व्याकरण, दूसरा व्यावहारिक व्याकरण और तीसरा प्रासंगिक व्याकरण। शास्त्रीय अथवा सैद्धांतिक व्याकरण वस्तुतः पूर्व में निर्मित वाक्य, शब्द, स्वर या ध्वनि संरचना से संबंधित नियमों का यथारूप ज्ञान प्रस्तुत करने वाला व्याकरण है। इस व्याकरण में भाषा की शुद्धता को प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुतः इसी व्याकरण के द्वारा हमको शुद्ध भाषा के व्यवहार करने संबंधी नियमों का ज्ञान होता है। दूसरा रूप है व्यावहारिक व्याकरण का। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की एक सार्वजनिक व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता और विद्वान हैं, जिन्होंने ये कहा है कि व्याकरण में यथा संभव परिवर्तन स्वीकार्य होने चाहिए, क्योंकि व्याकरण में नियमों की अपेक्षा व्यावहारिकता पर बल होना चाहिए। अर्थात संप्रेषण को बोधगम्य बनाने की दृष्टि से भाषा में इतना लचीलापन होना चाहिए कि वहाँ पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यथा संभव परिवर्तन कर सकें। तो यह व्याकरण व्यावहारिक व्याकरण कहलाता है, जिसमें संप्रेषण को बोधगम्य बनाने की दृष्टि से परिवर्तनों को स्वीकार किया जाता है। तीसरे प्रकार का व्याकरण प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्पष्टता पर बल दिया जाता है। जैसे बहुत सारे कहानीकार, उपन्यासकार जब अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें भाषा की स्पष्टता पर बल होता है, शुद्धता पर भी बल होता है, लेकिन कहीं कहीं उसमें अशुद्धियां भी स्वीकार कर ली जाती हैं। वह भाषा की देसीपन को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार की अशुद्धियों को स्वीकार कर लेता है। तो यह व्याकरण प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना पढ़ने से पूर्व हमको यह पता होना चाहिए कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि बिना उद्देश्यों को समझे बिना अध्यापक सही पाठ्य योजना का निर्माण नहीं कर सकता। व्याकरण शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ व्याकरण शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में सृजना और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास भी किया जाता है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है
और भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान भी दिया जाता है। तो व्याकरण शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को वस्तुतः शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के कौशल का विकास कराता है और इसके साथ साथ उनको शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने की प्रेरणा भी देता है। अध्यापक व्याकरण शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा कौशलों का विकास करता है। व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना के प्रमुख चरण। अब विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जब एक अध्यापक व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना बनाता है तो उसको किन चरणों में उसका निर्माण करता है। जैसे सबसे पहले उसको प्रस्तुतीकरण से पूर्व की तैयारी करनी होती है, फिर वह कक्षा में उसका प्रस्तुतीकरण करता है और तत्पश्चात वह उसका मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार दोस्तों, यह तीन चरणों की प्रक्रिया है और इसका एक के बाद एक अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि पूर्व तैयारी के अंतर्गत अध्यापक को किस किस प्रकार की तैयारी करनी होती है। पूर्व तैयारी के अंतर्गत अध्यापक सर्वप्रथम व्याकरण शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करता है। यह चयन शीर्षक को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिस प्रकार का शीर्षक होता है उसी प्रकार के विशिष्ट उद्देश्यों का चयन किया जाता है और फिर इन विशिष्ट उद्देश्यों को अधिगम अनुभवों में परिवर्तित किया जाता है और उनको लिपिबद्ध किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों का अधिगम अनुभवों में लिखने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाता है और उसको लिपिबद्ध करता है। अध्यापक को यह सटीक अनुमान लगाना होता है कि विद्यार्थी जो पाठ पढ़ाया जाने वाला है उससे पूर्व किन पाठों का अध्ययन कर चुके हैं और उनके पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है। छात्रों के पूर्व ज्ञान का अनुमान करने के पश्चात अध्यापक विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावना हेतु उचित विधि का निर्धारण करता है। वह यह अनुमान लगाता है कि जब वह कक्षा में जाएगा तो वह किस प्रकार विद्यार्थियों के सम्मुख पाठ प्रस्तुत करेगा। वह प्रश्नों के माध्यम से करेगा, चित्र दिखाकर करेगा, विद्यार्थियों से उनके अनुभवों को शेयर करने के साथ करेगा, अर्थात वह किस प्रकार करेगा, इसके लिए उसको उचित विधि का निर्धारण करना होता है। प्रस्तावना हेतु उचित विधि का निर्धारण करने के बाद विद्यार्थियों अध्यापक को यह भी पूर्व में तय करना होता है कि वह पाठ को पढ़ाने के लिए किस शिक्षण विधि का और किन प्रविधियों का प्रयोग करेगा। उच्च शिक्षण विधि का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसके लिए सहायक प्रविधियों का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है कि वह समय समय पर इसका उचित प्रयोग कर सके और अपने पाठ को रोचक और प्रभावी बनाने की दृष्टि से वह किस सहायक सामग्री का चयन करेगा, यह भी उसको पूर्व में तय करना होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि पूर्व तैयारी के लिए अध्यापक को विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करने से लेकर सहायक सामग्री तक का चयन करना होता है। व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना का द्वितीय चरण है प्रस्तुतीकरण, जो कि वास्तविक कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थिति होती है। इसमें अध्यापक प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित करने के लिए वह उनसे प्रश्न पूछता है और उसके पश्चात उनको उद्देश्य कथन देता है या उनको उद्बोधन देता है कि आज हम कक्षा में क्या पढ़ने जा रहे हैं। उद्देश्य कथन करने के पश्चात वह बिंदुवार अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। चूंकि यह व्याकरण शिक्षण है इसलिए अध्यापक यहाँ पर आगमन या निगमन विधि से कम दो या अधिक से अधिक चार शिक्षण बिंदुओं का प्रयोग कर सकता है, उनका शिक्षण कर सकता है और इसके लिए सबसे पहले वह छात्रों के समक्ष उदाहरण वाक्य प्रस्तुत करता है, उन उदाहरण वाक्यों से संबंधित प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के बाद उनका उत्तर ग्रहण करने के बाद अध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करता है।
कथन प्रस्तुत करने के बाद अर्थात स्पष्टीकरण के बाद वह परिभाषीकरण करता है, अर्थात व्याकरण की जिस पक्ष पर वह अपनी प्रस्तुति कर रहा है वह उसके संबंध में नियम बताता है। परिभाषीकरण करने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के लिए कुछ प्रश्न देता है और उसके पश्चात वह श्यामपट कार्य पर उसका सार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षण बिंदु पर अध्यापक यह प्रक्रिया दोहराता है। यह विद्यार्थियों आगमन विधि से पढ़ाया गया बिंदु है। अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार निगमन विधि का भी प्रयोग कर सकता है। तृतीय चरण मूल्यांकन का होता है, जो कि अंतिम चरण है। यहाँ पर अध्यापक अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के पश्चात अध्यापक विद्यार्थियों को गृह कार्य देता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशलात्मक क्षमता का विकास करना है। अब विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण की एक आदर्श पाठ योजना कैसे बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कक्षा 7 के एक प्रकरण पर, जिसका शीर्षक है विशेषण के अर्थ एवं भेद पर, हम आदर्श पाठ योजना किस प्रकार बनाई जा सकती है उस पर चर्चा करेंगे। चूंकि पूर्व तैयारी के अंतर्गत अध्यापक को सबसे पहले सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, तो यहाँ पर अध्यापक इस विषय पर, इस शीर्षक पर अपने जिन सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करता है वह हैं छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना, शुद्ध वाचन लेखन और पठन कौशल का विकास करना, उनमें व्याकरण के माध्यम से रचना और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। चूंकि हमारा प्रकरण है विशेषण के अर्थ और भेद, तो यहाँ पर अध्यापक जिन विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर चलता है वह हैं छात्र विशेषण के अर्थ एवं परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है और होगा, वह है विशेषण के विभिन्न भेदों में अंतर कर सकेंगे, अंतर समझ सकेंगे। इसके साथ साथ जो विशिष्ट उद्देश्य अन्य हो सकता है वह है विशेषण के विभिन्न भेदों को पहचान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य तीनों का उल्लेख किया गया है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात इस प्रकरण पर अध्यापक जो पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाता है वह है कि छात्र संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ और परिभाषा से परिचित हैं और वाक्यों में इनकी पहचान कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये बहुत स्वाभाविक है कि जब हम विशेषण पढ़ने जाते हैं तो उससे पूर्व हम संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक का अनुमान एकदम सही है कि विशेषण पढ़ाने से पूर्व छात्र संज्ञा और सर्वनाम का अर्थ पढ़ चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाने के बाद वह शिक्षण विधि का निर्धारण करता है और वह इसके लिए आगमन और निगमन विधि का चयन करता है। शिक्षण विधि का निर्धारण करने के पश्चात वह सहायक सामग्री के रूप में चित्र और चार्ट का प्रयोग करने का फैसला करता है, उसका चयन करता है। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण के प्रथम चरण में प्रस्तावना के लिए अध्यापक प्रश्नों का चयन करता है, तय करता है कि वह प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना करेगा और यह प्रस्तावना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होगी। क्योंकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के रूप में अध्यापक ने यह अनुमान लगाया है कि विद्यार्थी संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तो वह उन्हीं के ऊपर प्रश्नों का निर्माण करता है और इस प्रकार से अपनी प्रस्तावना को प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है,
वह सीधे नवीन ज्ञान से संबंधित होता है, वह सीधे यहाँ पर वह सीधे विशेषण के संदर्भ में होता है जो कि समस्यात्मक है, क्योंकि जिसका अध्ययन विद्यार्थी नहीं कर सके हैं इसलिए वह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होता है, और उसके पश्चात अध्यापक विद्यार्थियों को उद्बोधन देता है, यह उद्देश्य कथन करता है कि आज हम कक्षा में विशेषण के अर्थ और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन करने के पश्चात बिंदुवार अध्यापक अपनी प्रस्तुति देता है। चूंकि यहाँ पर प्रकरण है विशेषण का अर्थ और उसके भेद, तो यहाँ पर अध्यापक 5 बिंदुओं में अपनी प्रस्तुति देता है, जिसके प्रथम बिंदु के अंतर्गत वह विशेषण का अर्थ और उसकी परिभाषा को प्रस्तुत करता है, और इसके लिए वह चरणबद्ध ढंग से सबसे पहले उदाहरण वाक्य प्रस्तुत करता है, फिर वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, उन उदाहरण वाक्यों से संबंध में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अध्यापक स्पष्टता देते हुए अपना कथन प्रस्तुत करता है, और उसके बाद उस कथन के आधार पर सार रूप में अपनी परिभाषा प्रस्तुत करता है, विशेषण का अर्थ स्पष्ट करता है, और इस प्रकार से वह द्वितीय शिक्षण बिंदु के संदर्भ में वह विशेष्य का अर्थ बताता है, और विशेष्य का अर्थ बताने के लिए भी वह इसी प्रक्रिया को दोहराता है, सर्वप्रथम उदाहरण वाक्य प्रस्तुत करता है, फिर प्रश्न पूछता है, फिर अपना कथन प्रस्तुत करता है, और फिर परिभाषीकरण देता है, और इसके बाद विशेषण और विशेष्य का अर्थ बताने के पश्चात वह विशेषण के तीनों भेदों गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक का स्पष्टीकरण करता है, बिंदुवार करता है, और उसके लिए वह उसी प्रक्रिया को दोहराता है, सबसे पहले उदाहरण वाक्य प्रस्तुत करता है, प्रश्न करता है, अपना कथन देता है और परिभाषीकरण करता है। तीनों भेद बताने के पश्चात अध्यापक अभ्यास कार्य कराता है। विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के रूप में वाक्यों की रचना करने के लिए कहा जा सकता है, विशेषण शब्दों को चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं अध्यापक यहाँ आयोजित कर सकता है। अध्यापक अभ्यास कार्य कराने के पश्चात श्याम पट पर उनका सार प्रस्तुत करता है, जो भी परिभाषाएं उसके द्वारा प्रस्तुत की गई, जो भी उदाहरण उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसके आधार पर वह सार रूप में श्याम पट पर लिखता है, और विद्यार्थियों को यह निर्देश देता है कि वह इसे अपनी कॉपी में उतार लें। श्याम पट कार्य करने के पश्चात अध्यापक श्याम पट पर लिखी गई समस्त सामग्री को मिटा देता है, और फिर विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रश्न करता है। मूल्यांकन प्रश्नों का उद्देश्य यह होता है कि अध्यापक यह जान सके कि उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, और अगर वह प्राप्ति नहीं हुई है तो उसको अगली योजना में किस प्रकार से कार्य करना होगा। मूल्यांकन प्रश्न के बाद अध्यापक विद्यार्थियों को गृह कार्य देता है, और गृह कार्य के रूप में उनको अभ्यास कार्य दे सकता है या मौलिक रचना के लिए दे सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यह देखा कि एक आदर्श पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपके सामने व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना का एक संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत है। इस संक्षिप्त प्रारूप के माध्यम से अध्यापक छात्राध्यापक अपनी पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। पाठ योजना की संख्या कौन सी है, वो किस तिथि को पढ़ाई जाने वाली है, किस कक्षा की है, किस विषय की है, किस प्रकरण की है, इत्यादि सबका उल्लेख करते हुए वह सामान्य उद्देश्यों और विशिष्ट उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में लिखता है, उसमें प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री को लिखता है, पूर्व ज्ञान के बारे में लिखता है, प्रस्तावना किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार की जाएगी इसका उल्लेख करता है, और उसके पश्चात शिक्षण बिंदुओं को क्रमवार प्रस्तुत करता है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु का क्या शिक्षण उद्देश्य होगा और अध्यापक उस पर क्या क्रिया करेगा और बदले में छात्र उस पर क्या क्रिया करेंगे, उस शिक्षण बिंदु पर किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा और इस क्रिया के पश्चात
विद्यार्थियों में क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आ सकेगा, इन सब की प्रस्तुति इस पाठ्य योजना के प्रारूप में की जाती है। तो इस प्रकार से 3 या 4 बिंदुओं को प्रस्तुत करने के पश्चात अध्यापक उनमें कराए जाने वाले अभ्यास कार्य का, श्याम पट सारांश का, कक्षा कार्य और निरीक्षण के रूप में वह क्या क्रिया करेगा उसका ब्यौरा लिखता है, और पुनरावृत्ति प्रश्नों में किन प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाएगा उसका उल्लेख करता है, और फिर गृह कार्य का भी उल्लेख करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बनाई जा सकती है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं हमने इसके बारे में भी चर्चा करी। आशा है कि आपको इसके माध्यम से यह स्पष्ट हो हुआ होगा कि एक अध्यापक को व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना के लिए किन चरणों को अपनाना चाहिए, और किस प्रकार से वह एक आदर्श पाठ्य योजना बना सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं प्रतिभा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, और अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।